रहेगी ना, तो फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये सीम कैसे डालेंगे सीधा? ये नहीं करना, ये और ये, और ये हल्का सा, हल्का सा ही करना, पर वो कंट्रोल की बात करना है, ठीक है? इस पर ज़्यादा रहना। अब वो कैसे करेंगे? तो ये करना है, कैसे करेंगे? से कॉक का ऐसा फॉर्म पकड़ेंगे बॉल को, और लीजिंग टाइम से इसको मतलब घुमाएंगे, लेकिन इसके पोजीशन भी बिल्कुल मैटर करता है। जब डालोगे ना बॉल पे कड़क नहीं, जैसे पकड़ते हो जैसा एक्शन है, जैसा बराबर ना लूज ना टाइट। जब डिलीवरी पे जाओगे, मतलब ये तुमने रोडिंग किया, तुमने बॉल डाला, बॉल पे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड थोड़ा ज़्यादा रुकना, समझ में आया? अगर वो करोगे तो तुम्हारा ज़्यादातर सीन पे गिरेगा, ठीक है? और जब नया बॉल से डालो खास करके, तो ये देखो, ये समझ में आया कहाँ पे गिरा है? सीन के बाहर गिरा है। ये समझ में आया कहाँ पे गिरा है? इसका मतलब ये कर रहे हो रिज गिर रहा है, तो वो जरूरी नहीं करना है, समझ में? और नए बॉल से डालोगे, मैंने अभी बहुत टाइम से बॉल डाला नहीं, लेकिन मैं अभी डालूंगा ना, आपको पकड़ो, मशीन नहीं डाल पकड़ेगा कोई, आया थोड़ा हिल गया, तो बॉल पे थोड़ा सा हल्का सा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड यहाँ पे रुकना भी डिलीवरी के टाइम, देखो उससे फर्क पड़ता है कि नहीं, ट्राई करो कहाँ पे रुकना है। रिलीजिंग टाइम पे बॉल पे थोड़ा सा फील करना है, थोड़ा सा फील करोगे ना बॉल को थोड़ी देर तक, तो वो खुद ब खुद रोकना नहीं अपने आप को, रोकने की बात नहीं, फील करो बॉल को, थोड़ा एक्स्ट्रा फील करो यहाँ पे, फील तभी कर पाओगे जब एक्स्ट्रा रुकोगे, तो हम लोग सोचेंगे फील करोगे, ठीक है? बॉल को डिलीवरी टाइम पे थोड़ा फील करो छूटता हुआ।